हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियाज लवली किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए एक क्विक रेसिपी, जो कि है दही सैंडविच। जी हाँ, दही सैंडविच खाने के लिए जितना टेस्टी है उतना ही हेल्दी भी है और जल्दी से झटपट बन जाता है। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरुआत करते हैं। दही सैंडविच बनाने के लिए इधर मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। मैं सिर्फ 2 सैंडविच बना रही हूँ, तो 2 सैंडविच के बराबर मैंने वो सारा मेजरमेंट निकाला है। मैंने जो ब्रेड लिए है होल मिल ब्रेड है, आप कौन से भी व्हाइट सैंडविच ब्रेड या होल मिल ब्रेड भी ले सकते। आधा कप गाढ़ा दही, दही को एक कपड़े में बांध के रख दीजिए। 1 घंटे में दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाता है, उसके अंदर का पानी निकल जाता है। 1/4 कप कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप बॉईल किए हुए कॉर्न, कॉर्न को थोड़ा नमक डाल के 4-5 मिनट बॉईल कीजिए। 2-3 चम्मच कटा हुआ टमाटो, 1 स्मॉल साइज का प्याज एकदम बारीक कट करके लेना है, और 1/4 कप कटा हुआ गाजर, गाजर को मैंने एकदम बारीक कट किया है। आप इसमें आपकी पसंद की सब्जी डाल सकते हो। बटर 1/2 चम्मच, नमक और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। इधर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें डालेंगे गाढ़ा दही। दही डालने के बाद ये जो दही है, दही को थोड़ा फेंट के लीजिए, दही स्मूथ हो जाता है। ये जो दही है ऑलरेडी बहुत ही स्मूथ है, इसीलिए मैंने फेटा नहीं। तो इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए कॉर्न, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ गाजर, शिमला मिर्च और टमेटो। टेस्ट के लिए थोड़ा नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप इसमें आपकी पसंद की सब्जी डाल सकते हो, जैसे कि आप इसमें लाल शिमला मिर्च डाल सकते हो, बीन्स भी डाल सकते हो, ऑलिव्स भी डाल सकते हो। ऑलिव डाल के भी ये सैंडविच खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये जो मिश्रण है बनके तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच इतने चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते तो चिली फ्लेक्स को स्किप करके इसकी जगह पर थोड़ा ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हो। ये मिश्रण बन के तैयार है। इधर मैंने लिए है ब्रेड, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बटर। एक बटर नाइफ और स्पून की मदद से ब्रेड के ऊपर बटर लगा लीजिए, और इस वाले साइड से ना बटर नहीं लगाया तो भी चलेगा, लेकिन बटर लगाने के बाद एक सैंडविच खाने के लिए और भी टेस्टी लगता है। और इसके ऊपर दही का मिक्सचर स्प्रेड करेंगे, जितना आपको पसंद है उतना आप इसमें डाल सकते हो। मैंने एक सैंडविच के ऊपर एक थिक लेयर दिया है और एक सैंडविच के ऊपर थोड़ा थिन लेयर दिया है। तो इसी तरह से ब्रेड के ऊपर इसे मैंने स्प्रेड कर दिया है, और ये दूसरी वाली स्लाइस इसके ऊपर इसी तरह से रखेंगे। तो सैंडविच सिकने के लिए तैयार है। ऊपर वाली साइड से भी मैं थोड़ा बटर लगाऊंगी, एक्चुअली दोनों साइड से हमें बटर लगाना है। बटर लगाने की वजह से सैंडविच क्रिस्पी बन जाता है और खाने के लिए टेस्टी भी लगता है। गैस के ऊपर पैन गरम करने के लिए रख दिया है, और इस सैंडविच को तवे के ऊपर इसी तरह से रखेंगे, और दोनों साइड से एकदम लो फ्लेम पे गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेकना है। आप चाहे तो इस सैंडविच को सैंडविच मेकर में भी बना सकते हो। तो एक साइड से इस सैंडविच अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी बन गया है। मैंने इसे दूसरी साइड से फ्लिप किया है, और इस साइड से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक सेकना है। सैंडविच बनके तैयार है। इसे एक बोर्ड के ऊपर निकालूंगी और इस गर्मा गर्म सैंडविच को चाकू की मदद से कट करेंगे। आप चाहे तो स्क्वायर में कट कर सकते हो, नहीं तो इसी तरह से भी कट कर सकते हो। तो देख लीजिए, बहुत ही टेस्टी, एकदम क्रीमी, अंदर से सॉफ्ट क्रीमी और ऊपर से क्रिस्पी सैंडविच बनके तैयार है। सचमुच खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है। चलो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आई होप आपको पसंद आएगी। आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।